अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद आप लोग खैर खरी से होंगे जी। तो यार ये है आपका भाई, ये नज़र आ रहा आपको? ये आपका भाई, आपको शक्ल नहीं दिखा रहा, तो चले कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद आपको दिखा दें। और सुना क्या हाल चाल है? उम्मीद आप लोग खैरी से होंगे जी। तो यार काफ़ी दिनों के बाद आज आपका भाई आ ही गया व्लॉग करने के लिए। सुबह सुबह का टाइम है, आपका भाई उठ गया और आ गया है नहर पर। बहुत ही प्यारा मौसम है, तो इधर चेक करें, यह नहर और नहर के ऊपर फोग। ये कोई दिसंबर जनवरी की फोग नहीं है, आप समझ रहे होंगे बड़ी सर्दी आ गई हमारे इलाके में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सितंबर का महीना चल रहा है और ये नीचे अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये नीचे पानी है और उसके ऊपर जो है ना ये फोग है। चेक कर रहे हैं आप लोग, ये ना ठंडा पानी आ रहा है, बर्फ़ जो है ना वो मेल्ट होके आ रही है और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो है ना फोग वगैरह आ चुकी है। और यहाँ पर मौज साहब जो है ना अपनी साइकिलिंग कर रहे हैं सुबह सुबह, और आपका भाई जो है ना वॉक कर रहा है। तो आपको अभी हम अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देंगे। तो अभी जो है ना आप नज़ारे लें हमारी नहर के, सुबह सुबह कितनी खामोशी है। और माँ साहब अपनी साइकिल कभी उधर को जा रहा है, कभी इधर को आ रहा है, हो गया। तो यार मौज साहब वो उधर से घूम शूम के तो आ चुके हैं, फिर वापस ये चेक करें, मौज ने अपनी ब्रांड न्यू साइकिल ले ली हुई है और सुबह सुबह इसके ऊपर जो है ना साइकिलिंग करने आता है। और ये देखें इसकी बूथी है, उतना ही मोटा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसको तो, बल्कि और ज़्यादा मोटा हो चुका है। चेक करें इसको, और साइकिल ले कर तो दी है इसको, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसको साइकिल चलाने से भी। तो यार ठंडी ठंडी हवा आ रही, मैं तो नहर के बिल्कुल किनारे पे आ चुका हूँ, यहाँ पे वसंधा ना डिग जमा। तो ये चेक करें कहाँ पे पानी आ रहा, फुल बाहर तक आ रहा पानी और नीचे ओस पड़ी हुई है घास के ऊपर, और मैं यहाँ पे चल रहा हूँ ना, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो बहुत ठंडा पानी है, इतनी ठंडी हवा आ रही है पानी से। तो हाथ लगा के चेक करते हैं पानी ठंडा ही है कि एवें है। ओए होए 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 होए, ये तो सुन कर रात आए, हाय हाय बहुत ठंडा पानी यार, बहुत ठंडा पानी यार। और हवा आ रही है हल्की हल्की, वैसे नहीं चल रही हवा, लेकिन इसके पास खड़े हों तो हवा जो है ना, मतलब जो हल्की फुल्की भी चल रही है वो लग रही है, तो बड़ी ठंडी आ रही है। ऊपर चेक करें कितनी फोग इकट्ठी हुई है, अभी सूरज निकल गया हुआ मेरे ख्याल से, वो सूरज है वो ऊपर, लेकिन फिर भी जो है ना अभी नज़र नहीं आ रहा कुछ। मौज साहब का बूथी देख लें आप लोग, मेरी आपको बाद में नज़र आ जाएगी। और चले मौज साहब वापिस, अब हाँ जी चलो अब वापस चलें, तो फिर चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि हम ये दरबार तक सैर करते करते आ चुके हैं, अभी हमने जाना वापस। मुआज़ ने तो अपनी साइकिल पे दो पैडल मारने और एक मिनट में इसने भाग जाना है, और आपके भाई ने फिर हौली 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 जाना है। तो चलते हैं, सुबह सुबह कौवे कैं कैं कर रहे और चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, और चलते हैं अब वापस। बहुत सुकून है यार यहाँ पर, चल मास भाग जा, मैं भी आने लगा हूँ तेरे पीछे पीछे। चल ये जी मास साहब अपनी साइकिल वापस, वह इधर जाना है, इधर से वापस जाएगा और मैं फिर आराम आराम से जाऊँगा। गाइस आपको हम अपनी साइकिल का नाम बताते हैं, हमारी साइकिल को इंग्लिश में कहें तो रॉकेट और उर्दू में कहें तो मिसाइल। ये देखिए हमारी मिसाइल भाग रहा है, ये हमने ली है कोई 4-5 लाख की आ गया, ठीक है, क्योंकि ये है ही रॉकेट है, इसलिए अभी ये ना रॉकेट कोई खास बंदा चला रहा है, इसलिए बहुत स्पीड में ये जा रही है, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ देखें हवाओं में उड़ रही है, हवाओं में उड़ रही है, ये देखें आप चेक करें, ये हवाओं में उड़ रही है, ये देखें, ये देखें फसलें हमारी गांव की, वो पट्टा भी है, अभी आपको दिखाऊंगा पट्टा, ये आया है पट्टा वहाँ पे, वो वहाँ पे। गाइस ये देखिए अब आपको नज़र आ रहा होगा कि सूरज निकल रहा है, सूरज चाचू हल्के हल्के निकल रहे हैं, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। अभी फिर ये पूरे आसमान में छा जाएंगे और बहुत गर्मी हो जाएगी,
और ये जो सी फोग है ये भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखे इस साइड पे भी आप लगा ले हमारे गांव के नज़ारे। ये हमारे गांव के कांटे बजे हुए हैं, देखा आपने। ये देखें ये तो यार इंतज़ार की घड़ियाँ भी ख़त्म। और ये रहा आपका भाई, और मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी, तो टाइम हो चुका है और अभी निकलना मैंने यूनिवर्सिटी के लिए और वहाँ पर जाना है, और फिर आपको जाके बताते हैं वहाँ पे हमारी क्लासेस वगैरह, और उसके बाद जो है ना हमने फिर आ जाना है वापस होके। चलते हैं अभी यूनिवर्सिटी, तो थोड़ा सा हो गया हम लेट में, तो अभी निकलते हैं। मेरा वेट कर रहे हैं मेरे दोस्त वहाँ पे, अभी कॉल भी आ रही थी मेरे ख्याल से, वो लग था पहुँच चुके हैं और मैं हो गया हूँ लेट। तो निकलते हैं जाके मिलते हैं उनको और आपको भी मिलवाते हैं, तो चलें फिर चलते हैं। तो यार फाइनली हम लोग यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी ज्वाइन कर चुके हैं हमें। और एक इधर है ओए असद, खच मार नहीं मेरी कोई ना कोई। यार मौसम बड़े लेवल का हो गया, घर से आए थे तो धूप लगी हुई थी, यहाँ पे आए हैं तो बारिश, माशाल्लाह ठंडा ठंडा मौसम है। जट सर किधर? यार मैं कल भी आया ट्रांसक्रिप्ट के लिए। अच्छा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स मैं नहीं लाया। नहीं दे रहे? नहीं दे देंगे, 40 दिन बाद वो आनी है और ट्रांसक्रिप्शन वगैरह देनी है उन्हें। अच्छा, और अपने फॉर्म एक फिल करना है। अच्छा, वो स्टेपल करके फिर HEC में भेजेंगे, वहाँ से ट्रांसक्रिप्ट निकल के आएगी फिर। ठीक हो गया, चलो आ गई समझ। ओके ओके, फाइनली जट साहब ने गूंद शूंद ला के ना अपनी तस्वीर लगा तो दी है ऊपर। जट साहब इधर दिखाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। जट साहब की कर लगे वैसे, सानू समझ नहीं आई कि थोड़ी। जनाब बड़ा कुछ हो रहा है, ट्रैफिक कटाने वास्ते बड़े झंझट ने। झंझट ने किन्नी फीस है? 5000 कहंदे हेड जेंट वास्ते। ओए होए होए होए, डिग्री भी पैसे दे के मिलनी है? मेरे पैसे कट देते हैं अगे, थोड़े पैसे ले उन्होंने, और पिछले जो कट लवो। हैं चलो जट साहब अपना जरा फॉर्म फिल कर रहे हैं, और इन्होंने आज मिल जानी आपको ट्रांसक्रिप्ट 40 दिन बाद मिलनी है। 5000 आज देना के बाद से देना? 5000 आज ही देना। ते ट्रीट कैसे मिलनी है? जदन ट्रांसक्रिप्ट आनी है आज ही? मैं कह जदन डिग्री मिल गई ना, जदन डिग्री मिल गई तो लब गया। बहुत तेज हो रहा है कह रहे, मैं तो लबने ही नहीं आ रहा है कह रहे सर। वे जदों तू डिस्की और ट्रीट ट्रीट जदों मर्जी। तो अभी जिस दिन फिर आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल गई, इसका मतलब बड़ी पार्टी होगी डिस्के विच। हैं बड़ी पार्टी डिस्के दी? ओ निशीन इफ्तिखार नु नहीं नहीं उन्होंने नहीं बुलाना आज। ओए मैं शायद ओदी निगरानी विच। नहीं नहीं ओदी निगरानी निगरानी च नहीं, मैं हक मलक बुलाया। चलो जल्दी जल्दी फिल करो, टाइम नहीं है इन्ना साढ़े कोल। जनाब मैंने पहला दस्सो। हाँ जी अच्छा, की डुप्लीकेट की ओरिजिनल डिग्री? अर्जेंट ओरिजिनल डुप्लीकेट, मतलब ओरिजिनल चाहिए तेनू? ओरिजिनल चाहिए? हाँ कुछ और में लग रहा है देश रहा। मैं तो करवाना सी अब ट्रांसक्रिप्ट दा है डिग्री वाला। हाँ डिग्री वाली डिग्री इशू फॉर्म है, डिग्री इशू फॉर्म है। लगा ऊपर लगा, दूजा वाला काट दूजा यार ऊपर लगा दे बेटा। CGP बढ़ाना चाह रहे हो? वो ये उठाने से नहीं बढ़ता। अहमद भाई वो क्या उठाना पड़ता है? वो अंदर से उठाना पड़ता है सब कुछ। चढ़ के खींच दे सारा कारून। चल ठीक हो गया, वेल वेल डन। हम लोगों ने नमाज वगैरह अदा कर ली है, और अभी अहमद साहब का थोड़ा सा काम चल रहा है, वो सिग्नेचर वगैरह हो रहे हैं। अभी कितने रह गए हैं? मतलब भी यार बस रह गए हैं एक दो, दो रह गए हैं। ये दो सिग्नेचर हैं, ये नहीं हो रहे, बस बंदे नहीं हमें मिल रहे। ये करवा के इसके बाद बंदे मिल गए थे। अच्छा, वो कहते हैं बेटा CGP कितना है? मैंने बताया तो कहते हैं बेटा थोड़ा कंधा डाल के आऊँगा करवा दूँगा, मैं कंधा डाल आगे आया हूँ। अल्लाह के करम से बंदे नहीं आ गए जिस कारण अल्लाह डाल रहे हैं। वो डर के पहले ही साइड पे हो, वो पहले ही साइड पे करना डाल। अभी हम ये काम करके ना उसके बाद हमने जाना है, लंच करने जाना है। अहमद भाई जी सही जा रहे हो, लंच करने जाना है, तो उसके बाद फिर मिलते हैं आपको जाके लंच जो हमने करना है वहाँ पे, क्योंकि बड़ी ज़्यादा भूख लग रही है इस टाइम। तो बस यही छोटा सा काम है, दोस्त के रिश्ते हैं वो हो गए, तो हम लोग फ्री हैं, सारे दिन का काम हमारा हो गया। तो चलें कोई नहीं, अभी वेट कर रहे हैं, वो आते हैं सर, उनसे सिग्नेचर करवाते हैं फिर निकलते हैं।
many months later. Zilalat program zindabad. ये अपने अहमद साहब. अहमद साहब क्या कर रहे हो आप यहाँ बैठ के? यार इंतजार कर रहे हैं, यकीन करो पास आ जाते यार. अच्छा यकीन करो टके टके के बंदे हैं, टके से भी नहीं है बंदे. अच्छा तो सानू इंतजार करा रहे हैं. अल्लाह की कसम है पता नहीं सिर्फ थोड़ी कुर्सी मिलती ने दो जमात पार के तो अंदर मैडम ने बैठे होंगे तो इंज घर कर देने बाद में आना. यकीन कर खुदा पा की कसम है इस वक्त परसनैलिटी साढ़े कसम डेरिया के नौकर की होंगी आ भैन पर मतलब कि चाहते कि एच ओ डी ऑफिस है. यकीन करो तीजा बेड़ा मेरा तो अगला सिर्फ इंजॉय मार रहा कोई काम नहीं कर रहे गल् मार रहे हैं तो मेरे साइन ही कर रहे हैं. अगे जो बंद एडमिशन लैन का प्लान है पहला तो जो एडमिशन लै जाएंगे ना तो बड़ी तारीफा करूँगी ये वो तो पूरे चौके रखेंगे तो लगेगा इतने एडमिशन लैद मैं कामयाब होना है सब कुछ तुम इतने मिलना पर लगता तो महीना नहीं जो लंघता तो सारा पता लग जाता जी. तो कोशिश करो पहला बंद को पूछो उसे जो पढ़ते हैं जो पास आउट हो जाते हैं कि भाई इत की निज़ाम है की सहूलत ने की नहीं है बड़ा कुछ वादे दावे हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਭਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੇਲਾ ਸੇਵ ਅੱਜ ਅੱਜ ਸਮੋਸਾ ਖਾ ਸਮੋਸਾ ਅੱਜ ਸਮੋਸਾ ਖਾ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਿਆਲਕੋਟ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰੋਕ ਲਏ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਚਾੜ ਦਿਓ ਯਾਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹਮ ਲੋਕ और ये अपने जट साहब भी जा रहे हैं वापस मुंह लटकाते हुए और अपने असद भाई ने क्लास ले लिया ये भी फ्री हो गया मैं भी फ्री हूँ और अभी हम जाएंगे वापस घर. क्यों जाना है यार पहले तो मुझे ये बताओ. मुझे क्या पता क्यों लटका रहे हो. अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर ब्रो. ओए होए होए मुश्किल मैं प्लान लिया टट्टी टट्टी सी सिर्फ पेपर होता है पेपर ही बस. चलो फिर मेरा बेटा अपने मेरे घर असं भी चलिए घर तो यहाँ पे ब्लॉग करते हैं एंड वीडियो करते हैं लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह.